कक्षा एक से बारहवीं तक के खाते में पैसा भेजे जाएंगे 4 करोड़ रुपया। यहाँ लिखा है मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी वर्ग के 1.65 लाख छात्रों के खाते में जाएगी राशि। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है इंटर पास 4 लाख छात्रों के खाते में 2 दिनों में भेजे जाएंगे 4 करोड़ रुपया। उसके बाद दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट जो है दोस्तों जैसे कि कक्षा एक से बारहवीं तक का पैसा भेजा जा रहा है, ठीक ना, जैसे कि पोशाक का पैसा हुआ, छात्रवृत्ति का पैसा हुआ, साइकिल का पैसा हुआ, सारा रुपया भेजा जाएगा दोस्तों। और जो भी दोस्तों मैट्रिक इंटर प्रथम श्रेणी से पास किए यानी कि फर्स्ट डिवीजन के हैं सभी के खाते में पैसा भेजा जा रहा है, यहाँ पेपर में आया है, आपको समझना होगा दोस्तों। और मैं पहले आपको बताता हूँ जो भी दोस्तों इंटर पास किए हैं 2023 में, ठीक ना, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं कराएं तो ऑनलाइन करवा लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ डेट दिया हुआ है, ठीक ना, लास्ट डेट क्या है। यहाँ कह रहा है कि दोस्तों जिले में इंटर पास बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था सरकार की गई है। बावजूद पिछले 5 साल की इंटर पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि लेने का मौका मिला है। पहले जो दोस्तों 5 साल पहले पास किया था उसको भी पैसा नहीं आया था। 31 मई तक छात्राएं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। 31 मई तक लास्ट डेट है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन नहीं कराए हैं 5 साल पहले भी दोस्तों यानी 2019 में पास किए हैं, 2020 में पास किए, 2021 में, 2022 और 2023 जिस भी शस्त्र में आप दोस्तों पास किए हैं तो आप लोग ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि सभी के खाते में पैसा जाएगा। लास्ट डेट 31 मई है, आप लोग करवा लीजिएगा। अब बात यहां आता है दोस्तों कि जैसे कि पोशाक का पैसा होता है, साइकिल का पैसा है, सभी यहां लिखा हुआ है दोस्तों। यहां देखिए लिखा है कि वर्ष 2021 में इंटरमीडिएट पास अविवाहित लगभग 4 लाख छात्राओं के खाते में 4 करोड़ की राशि 2 दिनों में चली जाएगी। इस साल प्रथम श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण सभी वर्ग की 1.65 करोड़ 591 छात्रों के खाते में 10-10 हज़ार की दर से 165 करोड़ 59 लाख 10 हज़ार रुपये भी 2 दिनों में चले जाएंगे। राज्य के 1.78 करोड़ स्कूली बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल सहित विभिन्न योजनाओं की राशि इस माह के अंत तक मिल जाएगी। 9वीं कक्षा के लगभग 16 लाख छात्राओं के साथ ही विभिन्न वर्ग के पिछड़ा, अति पिछड़ा और वर्ग बच्चों के पोशाक की राशि के लिए शिक्षा विभाग ने 700 करोड़ से अधिक राशि मांगी है। देखिए साइकिल का जो पैसा होता है दोस्तों उसके लिए 700 करोड़ की राशि मांगी गई है। आगे समझिए, आपको समझना जरूरी है, ठीक। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि योजना के तहत अविवाहित उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजे जाएंगे। उसके बाद देखिए पैसा क्यों नहीं आ रहा था, पैसा इसलिए नहीं आ रहा था मार्च क्लोजिंग के कारण राशि निकासी में देर हुई। मार्च क्लोजिंग चल रहा था दोस्तों, उसके कारण पैसा रोका गया था। उसके बाद नामांकित सभी बच्चों को मिलेगी योजनाओं की राशि जैसे पोशाक, छात्रवृत्ति सहित योजनाओं के मदद में 4 हज़ार करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। सत्र 2020 से 2021 में 11 माह तक कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल नहीं आ सके, इसलिए हाजिरी भी नहीं बनी। इस कारण स्कूल में नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि दी जाएगी दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए छात्रवृत्ति का पैसा होता है, पोशाक का पैसा, सभी पैसा आएगा दोस्तों, ठीक ना। और मैं बता दिया जो इंटर में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो 31 मई तक लास्ट डेट है, आप लोग आवेदन कर लीजिए, सभी को रुपया भेज दिया जाएगा।